नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, ये आप ही का चैनल है और मैं भी एक किसान भाई हूँ, आप ही का छोटा भाई मैं समझ लो या बड़ा भाई समझ लो, और आप भी किसान हो तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को आप प्रमोशन करने के अंदर मेरा सहयोग करें। मेरे किसान भाइयों, मेरे इस चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइब की जरूरत है और आपके बिना ये कार्य संभव नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइब करने में मेरा आप सहयोग करें। मेरे किसान भाइयों, इसको व्हाट्सअप करें, इस मेरे वीडियो को शेयर करें और अनेक किसान भाइयों के पास इसको व्हाट्सअप करके उनको उनका मार्गदर्शन भी करें। तो इसी प्रकार मेरे किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ खेती बाड़ी के अंदर विषय रहेगा कि जो सब्जियों की फसल हम करते हैं उसके अंदर जड़गांठ की प्रॉब्लम आ जाती है, जड़गांठ की समस्या आ जाती है, और वो समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि वो हम कितने भी रुपए खर्च कर दें पर उसका समाधान नहीं हो पाता है। कई किसान भाइयों का ये कहना है कि कई बार क्या होता है, किसान भाइयों की समस्या इतनी बढ़ जाती है जड़गांठ की, तो वो जड़गांठ की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है। तो मैं आपको ऐसा एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको पूरा भारत के अंदर कोई नहीं बताएगा ये तरीका। अगर मैं मानता हूँ कि कुछ किसान इसको जानते भी होंगे, है ना, परंतु करीब करीब मेरे को ये मेरा आइडिया से ये पता है कि ये जो टॉनिक बताने जा रहा हूँ, ये विधि बताने जा रहा हूँ, ये आपको पूरे भारत में आपको कोई नहीं बताएगा किसान भाइयों। और ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप इसको गौर से देखें। ये बहुत ही आपकी सब्जियाँ, अगर आप सब्जियों की फसल करते हो तो आपके लिए ये लाभदायक दवा है। तो मैं पूरी ऑर्गेनिक दवा मैं किस तरह से तैयार कर रहा हूँ ये आप देख लीजिए मेरे किसान भाइयों, आपको मैं बता देता हूँ। ये मेरे सामने फसल है, टमाटर की फसल, और इस फसल के अंदर इतनी भयंकर जड़गांठ है कि इसके ग्रोथ नहीं हो रही है, और टमाटर भी थोड़े थोड़े लग रहे हैं, फ्लोर भी थोड़े कम आ रहे हैं, परंतु ये मैं इस टेम्परेचर की बात करते हैं तो 35 से 40 टेम्परेचर पड़ रहा है, तो समस्या चारों तरफ से समस्या है। टेम्परेचर भी इसका हाई है, पर इसको सुधारें कैसे हम, इस जमीन को, इन पौधे को कैसे सुधारें, ये जड़गांठ की जो प्रॉब्लम है नेमेटोड की, इसको कैसे खत्म करें, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एक तरीका है मेरे किसान भाइयों। ये 1 बीघा सामने मेरे की ये खेत है, अभी मैं छाँव में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ये 1 बीघा खेत है, इस 1 बीघे की मैं डोज का ये आपको मैं बता रहा हूँ, 1 बीघे की डोज में पूरी बता रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप मेरे पास एक प्लास्टिक का पात्र ले लीजिए, एक ड्रम ले लीजिए प्लास्टिक का आप ऐसा, और इस प्लास्टिक के ड्रम के अंदर 5 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए आप। इस प्लास्टिक के ड्रम के अंदर 5 लीटर गौमूत्र हमने ये डाल दिया है। 5 लीटर गौमूत्र डालने के बाद में के अंदर आपको फिर डालना है इसके अंदर ये फिटकरी, ये देख रहे हो ये फिटकरी है, आराम से आपको किराने की दुकान पे, पसारी की दुकान पे, बाजार में ये आराम से मिल जाएगी। इसकी अलग अलग रेट रहती है, कोई दुकान वाला 40 रुपये किलो दे देता है, कोई 80 रुपये किलो दे देता है, कोई 100 रुपये किलो देता है, पर ये बहुत सस्ती फिटकरी आती है। आप 1 किलो भी ले सकते हो, परंतु आधा किलो ले सकते हो, परंतु मैं आधा किलो ले रहा हूँ। तो मैं इसमें मैंने डाल दिया है ड्रम के अंदर 5 kg तो गौमूत्र डाल दिया है, और इसमें मैं आधा kg फिटकरी डालूंगा। तो ये ईमानदस्ता के अंदर आप ऐसे कूट लीजिए इस फिटकरी को, ऐसी फिटकरी रहेगी, इसको कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए। ये हमने पाउडर बना दिया है, और ये पाउडर हम इसके अंदर गौमूत्र में डाल देंगे। तो ये देखोगे आप, इसके अंदर पूरा झाड़ से झखार आ गया, ये देख लीजिए। गौमूत्र के अंदर जब आप फिटकरी डाल दोगे तो इसका कलर ऐसा हो जाएगा। तो हमने इसके 5 kg गौमूत्र के अंदर हमने डाल दिया, आधा किलो फिटकरी डाल दी हमने इसके अंदर, आधा किलो फिटकरी डाल दी। इसके बाद में फिटकरी डालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 किलो गुड़ डालेंगे। तो गुड़ को आराम से हाथ से तोड़ लेंगे, तोड़ के डालेंगे आराम से ये 1 किलो गुड़। गुड़ कोई सा भी हो, खाने का गुड़ हो, चाहे जानवरों को खिलाने का गुड़ हो, तो गुड़ कोई सा भी हो, इसके अंदर हम 1 किलो धीरे धीरे डालेंगे। इसमें धीरे धीरे ये 1 किलो हम गुड़ डाल दिए इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा, मैं मेरे किसान भाइयों आपको ये विकल्प बता रहा हूँ, ये भारत के अंदर आप कोई नहीं बताएगा ये। अगर ये मान के चलो ये लास्ट स्टेज दवा है जड़गांठ की, अगर इससे अगर आपकी फसल में फायदा नहीं आया तो ये समझ लीजिए उस फसल में आप फेरा या प्लाव भी काट दीजिए, परंतु इससे 100% 100% फायदा आएगा, आप खुद करके देख लीजिए। हमने इसके अंदर डाल दिया है 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर गौमूत्र के अंदर
डाल दिया है आधा किलो फिटकरी। आधा किलो फिटकरी डालने के बाद में फिर हमने डाल दिया है एक किलो गुड़, है ना, एक किलो गुड़। फिर इसके बाद के अंदर हम दवा की तरफ चलते हैं। तो ऐसा ये दवा का एक पैकेट आता है, इस दवा का पैकेट का नाम है नीमेटो फ्री। ये नीमेटो फ्री का पैकेट आता है और ये इस तरह का पैकेट आएगा नीमेटो फ्री। और ये इंटरनेशनल पेनिसिया लिमिटेड कंपनी का ये प्रोडक्ट है और इसकी प्रोफाइल मैंने ये बता दी है, प्रोफाइल ये देख लीजिए, ये प्रोफाइल मैंने बता दी है। और ये नीमेटो फ्री का पैकेट है, ये कोई भी रासायनिक दुकान पे मिल जाएगा, ऑर्गेनिक दुकान पे भी मिल जाएगा। और हम बात करते हैं, ये इधर से देखते साइड से, तो हम इसकी बात करते हैं ये प्राइस की। तो ये 315 रुपये का ये पड़ेगा, एक केजी का पैकेट आता है इसका। ये भी देख लीजिए आप, ये कस्टमर केयर नंबर है कंपनी के, आप कंपनी के अंदर भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और ये पैकेट है एक केजी का पैकेट है और ये बहुत ही सस्ता पैकेट है मेरे किसान भाइयों। दुकानदार हमेशा कई किसान भाइयों को लूट के खाते हैं, कंपनी वाले लूट के खाते हैं, हजारों रुपए का बिल बना देते हैं। तो ये पैकेट बहुत ही सस्ता 315 रुपए का है। ये पैकेट अगर आपका दुकानदार से अच्छा व्यवहार है तो आप इसको 10-20-50 रुपए भी दुकानदार भी कम कर सकता है इसके ऊपर, पर आपको 315 रुपए बिल लेते हैं तो ये बहुत सस्ता पैकेट है एक किलो का। तो हम क्या करेंगे, इस पैकेट को, ये एक किलो है तो हम दो पैकेट लेंगे, जैसे एक ये पैकेट है और एक हमारे पास ये पैकेट है। तो इसी के अंदर हम ये दो पैकेट डाल देंगे फाड़ के। तो हमने इसके अंदर, सबसे पहले आपको और बता देता हूँ बार बार, कि इसके अंदर हमने 5 केजी हमने डाल दिया है गौमूत्र डाल दिया है, उसके बाद में आधा किलो फिटकरी डाल दिए। आधा किलो फिटकरी डालने के बाद इसके अंदर हमने 1 केजी गुड़ डाल दिया है, गुड़ कोई सा भी हो सकता है। इसके बाद के अंदर ये हम ये पैकेट हैं ये इसमें फाड़ेंगे और 2 केजी इसके अंदर ये नीमेटो फ्री है ये डाल देंगे। ये पैकेट नीमेटो फ्री, ये 2 केजी इसके अंदर डाल देंगे, ये 2 केजी हमने इसमें डाल दिया है फाड़ के। बहुत यहाँ डाल दो, पर 2 पैकेट ये इसमें हम डाल दिए हैं। इसको डालने भी आप बाद में मेरे किसान भाइयों, इसको डालने के बाद हम ये डालेंगे प्रीमियम वीएम एचडी। प्रीमियम वीएम एचडी ये लोहे का बॉक्स आएगा नॉर्मल, ये देख लीजिए इसका ये बॉक्स इस प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आएगा। और इसका मैं बता देता हूँ प्रोफाइल, ये 100 ग्राम का आएगा और इसकी कंपनी की प्रोफाइल देखते हो तो कंपनी की प्रोफाइल ये है। टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं। तो ये प्रीमियम वैम एचडी आप मेरे के सामने ये डाल सकते हो। तो हमने 2 किलो तो ये डाल दिया है आपको, हमने दो केजी ये 2 पैकेट ये डाल दिए हैं, प्रति पैकेट 1 किलो का है नीमेटो फ्री, इसका ऐड कर दिया है इसी लिक्विड गोल्ड के अंदर। अब हम ऐड करने वाले हैं इसी के अंदर प्रीमियम वैम एचडी का पैकेट, इसको खोल लेते हैं, सील पैक है ये। ये जो मेरे किसान भाई, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ जड़गाठ निमटोड़ संबंधी, ये बहुत अच्छा विकल्प है और ऑर्गेनिक है। आपको ये मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये जो पैकेट है निमटो फ्री, ये पैकेट ऑर्गेनिक है, या इसमें ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक है ये पूरा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक दवाई हम बना रहे हैं। और ये भी देखते हैं तो ये भी ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा विकल्प है। ये डिब्बे में आता है और डिब्बा भी बहुत इसका
बहुत अच्छा डिब्बा है, चाहिए तो आप इसके अंदर कोई दवा हो तो उसको डाल सकते हो। ढक्कन बहुत अच्छा है डब्बे डिब्बे का, इसे बंद कर सकते हो। और इसी को हम इस ये लेंगे 100 ग्राम का पैकेट, ये प्रीमियम वैम्प HD है, इसका पैकेट लेंगे 100 ग्राम का, इसको फारकिस में डाल देंगे। और इसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं प्राइस की, तो ये 850 रुपये का इसका प्राइस है, ये देख लीजिए 850 रुपये है, परंतु ये आपको 650-700 रुपये मिल जाएगा। दुकानदार का आपको कैसा व्यवहार है, तो ये आपको डिस्काउंट भी दुकानदार दे देगा। तो ये मैंने बता दिया है मेरे किसान भाइयों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसका गौर से आप देखिए मेरे किसान भाइयों, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये है। और इसका प्रोफाइल और बता देता हूँ, तो हमने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया है, हाँ डाल दो, ये डालने के बाद मेरे किसान भाइयों इसको हिलाना है आराम से, डंडे की सहायता से हिला दीजिए आराम से, हाँ इसको डंडे की सहायता से हिला के, सभी आइटम को डंडे की सहायता से हिला के, और इसको 24 घंटे तक रहना, आप छांव में रख दीजिए। 24 घंटे बाद के अंदर इसको फिर आप 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर और एक बीघा जमीन के अंदर आप सिंचाई कर लीजिए। ये एक बीघा की डोज है, मेरा वचन है, मेरा वादा है मेरे किसान भाई, जलगांठ बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी, किसी कोई भी महंगी दवाई आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक है, और बहुत ही अच्छा ये विकल्प मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा मेरे किसान भाइयों, ये पूरा मैंने बता दिया है निमेटोड की बीमारी खत्म करने का उपाय आपको, तो इसी तरह आप दवा बना के अपने जड़गांठ का निमेटोड का आप उपाय कर सकते हो। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर आप मेरे आपके लिए फिर मैं लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, भारत मेरे सभी किसानों से शेयर करें, और जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री रहता है, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए अनुसंधान, मेरे नए नए आपको मैं कृषि संबंधी जानकारियाँ आराम से दूंगा। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।